मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 16 जनवरी से टीका लगवाने का अभियान शुरू किया गया था। बुधवार तक 3,49,654 लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें 62,504 को दोनों टीके लगाए गए, जबकि 2,85,642 लोगों को पहला टीका लग पाया है। दरअसल जनवरी में हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाना शुरू किया गया था। शुरू में वैक्सीन के प्रति तमाम संशय और डर था। इसका फिगर तो अभी दूसरी लहर का जो है, जैसा पता चलता है कि बच्चों में काफ़ी खतरनाक हो रहा है, बड़ों में मतलब यंग एज में काफ़ी नुकसान किया है इसने। दूसरी चीज़ उसमें भी काफ़ी लोग को जो है क्या नाम है, बहुत तेज़ गति से फैला है। वायरलेंस बहुत तेज़ थी और यंग एज था, ये थोड़ा सा नया था वेरियंट था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इसकी भी खत्म होती जा रही है। पीक हमारा जा चुका है, पॉजिटिविटी भी हमारी कम हो रही है और जो हमारा था रिकवरी रेट वो भी काफ़ी सुधार हुआ है इसमें। जी सर, ये नए हॉटस्पॉट बने कौन कौन से हैं ग्रामीण इलाके? जो अभी जैसे 53 केस टोटल निकले हैं ग्रामीण क्षेत्रों में से, उसमें से 34 हमारे वहाँ पर निकले हैं क्या नाम है भितरवार में, और आमरोल में 13 केस निकले हैं। उसको रेड जोन बना के वहाँ पर पूरा सील कर दिया गया है उसको, और बाकी दवाइयाँ काला आड़ा सब व्यवस्था कर दी गई है। जो मरीज दिख रहे थे उनको वहाँ पर हम लोगों ने क्वारंटाइन, जो सेफ कोविड केयर सेंटर बनाए वहाँ रखवा दिया। तो किस तरह के कारण कुछ समझ आए? बाहर से आए थे एक बंदा, वहाँ से इसलिए होता है मोस्टली वो कहीं ना कहीं से शहर के संपर्क में आते हैं, डबरा गए थे वहाँ से लेकर आए थे। रिछेरा और अमरोल दोनों जगह यही? अमरोल के बारे में पता चला, रिछेरा के बारे में जानकारी नहीं है। रिछेरा में भी तेरा टीका, कई टीके खराब भी हुए हैं, क्या कारण रहा? देखिए कोई भी टीका होता है उसका वेस्टेज फैक्टर होता है 10%। अब चूंकि ये फिगर 16 जनवरी से निकाला गया इसलिए बड़ा दिख रहा है वो, लेकिन आप देखिए टोटल वैक्सीन जितनी लगी है अपने ग्वालियर में 4 लाख से ऊपर निकल चुकी है, तो उसका वो आप परसेंटेज में निकालेंगे।